दिल्ली में आम आदमी पार्टी अगर ईसीआई की वेबसाइट की माने जाए तो 66 सीटों पर आगे है और बाकी चैनल्स की अगर माने तो 63 सीटों पर लीड कर रही है आम आदमी पार्टी। और आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर के वॉलंटियर्स जो है यहाँ पर मिठाई भी बांट रहे हैं, ढोल भी बज रहे हैं और खुशी मनाई जा रही है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीत रही है। तो आप देख सकते हैं कि लोग नाच रहे हैं, ढोल बज रहे हैं और खुशियां मनाई जा रही है जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की जीत की। आम आदमी पार्टी दिल्ली में फिलहाल लीड कर रही है, जीतने के पूरे आसार हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको अपनी बेटियों के समान आपको मुबारकबाद देता हूं इस बात की जो आपने मुझे कही है। तो ये जीतने का जो सिलसिला चल रहा है, जब एक प्रधानमंत्री प्रचार करे, एक गृह मंत्री घर घर में जाकर पर्चे बांटे, तो इंसान को उस वक्त ये सोच लेना चाहिए कि ऑलरेडी आम आदमी पार्टी की जीत हो चुकी है। यहाँ पर 200 से तकरीबन 250 तक एमपी, कई स्टेटों के चीफ मिनिस्टर आकर प्रचार करें, तो उससे क्या लगता है? उससे यही लगता है कि आम आदमी पार्टी जो आम लोगों के लिए बनी है, केजरीवाल साहब का एक नारा था कि ये आम आदमियों की पार्टी है, इसमें आम आदमी आए और अपना आपको योगदान डाले और अपनी जो समस्याएं हैं खुद हल करे। तो मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में पहला एक सीएम देखा है जिसने ये कहा है भाई अगर मैंने काम किया है तो वोट मुझे दो, अगर मैंने कोई काम नहीं किया तो वोट किसी और को दो। ये इतिहास है। ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे थे इस बार जब इलेक्शंस का माहौल था, तो जिस तरह का माहौल था, शाहीन बाग मुद्दा था, सीएए मुद्दा था, लेकिन जीत फिलहाल आम आदमी पार्टी की नजर आ रही है जिसने मुद्दे उठाए, एजुकेशन के मुद्दे उठाए, स्कूल के मुद्दे उठाए, आम लोकल इश्यूज पे। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि बाकी स्टेट्स में भी इसी तरह का एक फॉर्मूला रेप्लिकेट किया जा सके जहां नेशनल मुद्दे असेंबली इलेक्शंस में ना आए और लोकल इश्यूज पर बात हो? नेशनल लेवल पे मुद्दे पार्लियामेंट इलेक्शन में उठाए जाते हैं, यूटी में या स्टेट में इलेक्शन हो तो लोकल मुद्दे उठाए जाते हैं। आपको मैं मुबारकबाद दूं कि 70 साल के इतिहास में अरविंद केजरीवाल जी इकलौते चीफ मिनिस्टर ऐसे हैं जिन्होंने अपने काम के बल पे वोट मांगा, ना कि उन्होंने किसी कास्ट, किसी क्रीड, किसी चीज को कहा। वहां पे अपोजिशन पार्टी एक तरफ जो अपने आप को क्लेम करती है दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, 200 से ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट ले आई, दर्जनों के हिसाब से मिनिस्टर उठा लाई और कई रियासतों के चीफ मिनिस्टर वहां बैठे रहे। होम मिनिस्टर अमित शाह जी पहली बार लोगों के घरों में पर्चे बांटते हुए देखे गए, नरेंद्र मोदी जी भी रैलियां कर करके थक गए और रिजल्ट तो आपको अब पता चल रहा है, जो लेटेस्ट न्यूज अभी तक पहुंच रही है 63 भी क्रॉस कर गई है आम आदमी पार्टी। ईसीआई की वेबसाइट पे देखो तो 66 भी, वो बता रही है कि 66 पे लीडिंग है। मैं आपको बता दूं, एक मीडिया चैनल पे आज सुबह मैंने 10:30 बजे एक इंटरव्यू दिया था, उस पे मैंने पूरे भरोसे के साथ कहा था कि आम आदमी पार्टी पिछली बार जितनी सीटें जीती है इस बार उससे भी ज्यादा सीटें जीतेगी, और आप भी, मैं अपने उस वर्ड्स पे कायम हूँ। कुछ होता है, मीडिया की भी मजबूरी होती है, कुछ एडवर्टाइजमेंट का चक्कर होता है, थोड़ी देर दिखाना पड़ता है। 3 बजे के बाद मनोज तिवारी जी ने कहा था कि सारे वोट बीजेपी को पड़ जाएंगे, वो आखिर मौके तक कह रहे हैं कि पासा कभी भी पलट सकता है, अब आप क्या कहना चाहेंगे? मीडिया एक बेवकूफ कम्युनिटी वाले नहीं चलाते है, बहुत अक्लमंद चलाते हैं। पूरे हिंदुस्तान का मीडिया कह रहा है कि ये रिजल्ट चलेंगे, वो हम बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे हैं। मैं तो चाहता हूं कि इनकी बात सच्ची हो जाए, इनकी बात सच्ची होगी तो फिर घोटाला सारे को जाहिर हो जाएगा। अब मेरे को स्पेशली तो कहना नहीं पड़ेगा कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर हिंदुस्तान में अगले सारे इलेक्शन बैलेट पेपर से होंगे, तो फिर तो इनको पिछली बार सबसे पहले की 2 सीटें मिली हैं वो भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ना अटल बिहारी वाजपेयी जी अब रहे इस दुनिया में
और ना ही अडवाणी जी इलेक्शन लड़ेंगे। यही दो सीटें उनको मिली थी और वो दोनों सीटें चले गई तो भाजपा एक बड़े शून्य के तौर पे आ जाएगी। मनोज तिवारी जी है ना, जो उन्होंने कभी झाड़ू पकड़ा नहीं। ये जब झाड़ू घर में चलता है, हम घर की अच्छी तरह से सफाई करते हैं, बहुत खूब। उन्होंने घर में नौकर रखे हुए हैं, एक आम आदमी ने नौकर रखा हुआ है, तो आम आदमी पार्टी का जो वर्कर है उसने झाड़ू पकड़ा है। झाड़ू हमने इसीलिए पकड़ा है कि गंदी सियासतदानों वाले सियासतदान और गंदे लोग जो सियासत में घुसे हैं, झाड़ू मार के उनको साफ किया जाए ताकि हिंदुस्तान एक साफ सुथरा सियासतदान मुल्क बन सके। ये उन्हीं के लिए ही हमारा। आम आदमी पार्टी की जीत का श्रेय किसको देंगे आप? आम आदमी पार्टी का जीत का श्रेय आम आदमी को है, जिन्होंने आम आदमी ने जब आज से 5 साल पहले या उससे भी 1.5 साल पहले 29 सीटें दी थी, फिर 67 सीटें दी, अब तो काम के नाम पे मांगे है। हमारी पार्टी का नाम इसीलिए आम आदमी पार्टी है कि ये आम लोगों की पार्टी है। जब ये देखेंगे इस पार्टी ने काम नहीं किया, आम आदमी जो पार्टी जिसने बाकी सारे चैनल्स को देख दिया है, बीजेपी कांग्रेस बाकी पार्टियों को सारे को देख लिया है, उनको कहीं से नहीं होप मिली, आम आदमी पार्टी में एक होप मिल रही है। और आने वाला वक्त आप देखेंगे, एक अपोजिशन ने एक बहुत बुरी बात कर दी, विनाश काले विपरीत बुद्धि है, ये दिल्ली के इलेक्शंस को जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे फैलाया है अपोजिशन पार्टी ने, उसका उनको बेनिफिट कोई नहीं मिलेगा, उनका नुकसान पहुंचेगा। पहले तो सिर्फ दिल्ली के लोग कहते थे अरविंद केजरीवाल ने काम किया, अब पूरे हिंदुस्तान की जनता, खासकर जम्मू कश्मीर लद्दाख की जनता तो जानती है कि उन्होंने काम किया। और मैं आपको आज 11 फरवरी 2020 को अनाउंस करता हूं, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बनने वाली सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने ये सुना कि इन लोगों का क्या कहना है कि आम आदमी पार्टी की जीत दिल्ली में दर्शाती है कि मैदान में जितने मर्जी बड़े धुरिंदर उतर जाएं, लेकिन जब मुद्दा हो आम आदमी का तो जो लोकल इश्यूज हैं, जो लोगों के आम मुद्दे हैं, बिजली पानी सड़क के, आखिर वही दर्शाएंगे कि इलेक्शंस कौन जीतेगा। तो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स तो फिलहाल यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, देखना ये है कि जब फाइनल रिजल्ट आते हैं तो क्या होता है।